दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों आप लोग का सहयोग और स्नेह देखते हुए दिल बार-बार हो जाता है। डे बाय डे हमारे परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें कुछ नहीं। दोस्तों ज्योतिष एक विधा है, ज्योतिष एक विधा है, एक ज्ञान है। कोई ना जादूगरी है ना सत्य है, ये न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम बता रहे हैं। यदि किसी को ये विधा पसंद आती है तो इसे ग्रहण करे, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जिस तरह से पांचों उंगली एक साथ नहीं है, इसी तरह से हर बात को जानने के लिए हर आदमी इच्छुक नहीं है। लेकिन हमने बहुत डीपली अध्ययन करने के बाद ये रिसर्च करी और खोज निकाला कि मूलांक और न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम हर बात को बड़ी आसानी से, सहज भाव से किसी भी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, डेट ऊपर से जाने विदेशी यात्रा का योग, 4 और 7 अंक से बनता है। इसका मैं आज विस्तार से वर्णन करूंगा। एक कुंडली मेरे पास आई थी जिसको मैं लोशो ग्रिड के द्वारा भी और वेदिक के द्वारा भी और बताऊंगा विस्तार से कि विदेश का योग क्यों बन रहा है। लोशो ग्रिड को भी समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूं, या तो मेरी वीडियो को छेड़ो मत, अगर छेड़ो तो शुरू से लास्ट तक देखो। कुछ पाना है तो देखो, नहीं पाना तो बिल्कुल मत देखो। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान हमेशा व्यर्थ होता है। कमी निकालने वालों को की स्थिति ऐसी होती है जैसे घाव के ऊपर मक्खी उस स्थान को ढूंढती रहती है, तो कमी निकालने वाले का उद्देश्य होता है कहां क्या करूं, वो उस मक्खी की तरह होती है। संसार में कोई भी व्यवस्था गलत नहीं, जिसे ईश्वर ने बनाया वो ठीक बनाया है, बस वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस काम का सही गलत वो। तो आज मैं विस्तार से वर्णन करता हूं। दोस्तों हमारी न्यूमरोलॉजी के तहत मैं लोगों की कुंडलियां बहुत देखता हूं और बहुत कंसल्टेंसी आती है, तो मेरे कंसल्टेंसी चार्ज मात्र 1500 रुपए है। और यदि कोई क्लास में अटेंड करना चाहता है, मेरे से ज्वाइनिंग करना चाहता है, मैं एक वादा और करता हूं आप सबसे, मेरी हर वीडियो आज एक नहीं लाखों आदमी देखते हैं मेरी वीडियो, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं जब तक उस व्यक्ति को अपनी क्लास से नहीं छोड़ता जब तक वो सीख नहीं जाता। तो दोस्तों अपनी मानसिकता को बदलो, सोच को बड़ी बनाओ, और सोच अगर आपकी बड़ी होती चली जाएगी तो आपके जीवन में सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। आज मैं वीडियो को अब शुरू करता हूं। दोस्तों ये लोशो ग्रिड है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदुस्तान में तो लोगों ने ज्योतिष की परंपरा को तथ्यों से, पेड़ों से, पौधों से, मौसम से, हर टेक्निक से निकाल के रखा है। हमारे हिंदुस्तान में ज्ञान की कोई कमी नहीं, बिखरा पड़ा है। एक कहानी बताऊंगा मैं आपको समय आने पे, पहले मैं ये समझा देता हूं। देखो दोस्तों समय पहले हमने लोशो ग्रिड चाइनीज पत्ती है, चाइना से लिए, इसके हमने बहुत अनुभव करके बहुत बारीकी से वास्तु से रिलेटेड प्लस और हमने अंकों से रिलेटेड प्लस ग्रहों से रिलेटेड सारा व्याख्या। हमारा एक ग्रिड होता है 3x3 स्क्वायर का, उसमें 4, 9, 2 ये स्थाई है, 3, 5, 7, 8, 1, 6 इसे कछुए की पीठ बोलते हैं, उसको ऊपर ये अंक लिखे हुए मिले थे। तो लोशो शब्द ने इसे एक्सप्लेन करके इनको दूसरा दर्जा दिया। 4 नंबर दिया राहु का, 9 नंबर दिया मंगल का, 2 नंबर दिया चंद्रमा का, 3 नंबर दिया गुरु का, 5 नंबर दिया बुध का, 7 केतु का, 8 शनि का, 1 सूर्य का और 6 शुक्र का। अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ आती है, इनका विदेश का जाने का योग कैसे बना। उसके बाद हमने वास्तु को भी इसमें एक्सप्लेन करा। साउथ ईस्ट 4 नंबर, साउथ वेस्ट 2 नंबर, नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर, नॉर्थ ईस्ट 8 नंबर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। हमारे चाइना के अंदर साउथ से हवाएं चलती हैं और हमारे हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ से हवाएं चलती हैं, इसलिए हमारे यहां नॉर्थ को ऊपर रखते हैं और साउथ में, चाइना में साउथ को ऊपर रखते हैं। गलत कुछ भी नहीं है। 9 ग्रह हैं, 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का और 4 नंबर राहु का और 5 नंबर बुध का और 6 नंबर शुक्र का, 7 केतु का, 8 शनि का और 9 मंगल का। 9 ग्रह हैं, उन वेदिक के 9 ग्रहों को हमें न्यूमरोलॉजी के अंदर सिक्वेंस वाइज हमने इन्हें लगा दिया। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसके अंदर हमने ये डेट ऑफ बर्थ ली, हमने इसे भरा 5 और 1 6 और इसका टोटल हमने करा 5 और 1 6 और 8 14 1 15 और 9 24 और 7 31 और 9 40 40 का मतलब क्या आया? 4। इसका जो आता है कंडक्टर नंबर 4, हम इसे ये भी बोलते थे राजा 6 और रानी 7, 4 राजा रानी का कॉम्बिनेशन बन गया। अब हमने देखा अब जो मूल्यांक 6 वाले होते हैं, ड्राइवर 6 वाले, राजा 6 वाले, उनके शुभ तारीख है 6 15 24, शुभ दिन शुक्रवार, शुभ रंग दही जैसा सफेद हल्का गुलाबी, अशुभ रंग काला, मृत अंक 1 5, शत्रु अंक 3, सम अंक 2 4 6 7। शुभ वर्ष इनका 2013 में बहुत अच्छा साल हुआ, 2022 अच्छा साल हुआ, 22 के बाद 31 साल अच्छा हुआ, 31 के बाद 40 49 और 58 और 67। और अनुकूल देवता देवी, अनुशुभ रतन हीरा और ओपल। अब मैंने ये कुंडली बनाई, इसके बाद मैंने कुंडली इनकी वेदिक से बनाई, ये मीन लगन की कुंडली बनती है और इसमें शनि लगन बैठे हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखो, वेदिक के अंदर यदि 12वें स्थान में दूसरे का मालिक 12वें स्थान में पहुंच जाता है तो वो व्यक्ति विदेश में सेटल हो जाता है। यदि लगन का मालिक 12वें स्थान में पहुंच जाता है तो वो विदेश की यात्रा करने के लिए जाता है। अगर अष्टम का मालिक 12वें स्थान पे आ जाता है वो भी विदेश की यात्रा करता है। अगर छठे का मालिक 12वें स्थान पे आ जाता है तो वो भी, क्योंकि 12वां स्थान विदेश का स्थान है। हम आज विदेश को बहुत अच्छा मानते हैं, पहले विदेश को तड़ीपार मानते थे, अच्छा स्थान नहीं मानते थे, मैं बता रहा हूं। तो अब मैंने ये इस तरीके से ये भी समझाया, इन पे चंद्र की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा में यात्राएं बहुत होती हैं। अब हमने कहा विदेश में जाने का योग है और ये बच्ची शादी के भी होके विदेश में जा रही है, इसकी धनु लगन की हो रही है। चंद्रमा में शुक्र 2023 20 2 2023, चंद्रमा में शुक्र अच्छा होता है जो इसका योग बन रहा है, इसकी शादी हो रही है, अब इसका योग बन रहा है विदेश जाने का। आप देख रहे हैं चंद्रमा में सूर्य, मंगल की महादशा 22/8 से आ रही है, मंगल की महादशा आ रही है तो अब इसकी शादी है, उसके बाद इसकी इस दशा में 22/8/2023 के बाद ये बच्ची विदेश चली जाएगी। मंगल भी बहुत बड़ा कारक होता है विदेश का, मंगल की महादशा लगी हुई है बच्चे पे और मंगल से मैं मंगल होगा 28/1/2024 में ये विदेश चली जाएगी। ये तो हमने बता दिया आपको वेदिक अनुसार। अब बात आती है दोस्तों, हम लोशो ग्रिड के अनुसार कैसे बता सकते हैं कि ये विदेश जा रहा है। दोस्तों विदेश जाने के लिए सब में भला 4 का और 7 का स्थान होता है, 4 नंबर राहु और 7 नंबर केतु। यदि किसी के पास 4 नंबर एक बार आ जाता है तो ये व्यक्ति को विदेश पहुंचा देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत यात्राएं करता है, ऐसा व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टाइम पर गुस्सा आता है। यदि कोई काम नहीं बनता तो बनते बनते काम को छोड़ देता है और कहता है बेकार है इस काम करने। राहु को आप समझ सकते हैं, 4 नंबर राहु, इनका के पास 4 नंबर भी है और इनके पास 999 है। 999 ये साबित करता है मंगल प्रबल, ऐसे व्यक्ति की विदेश जाने की इच्छा बनेगी बनेगी। जब 4 और 9 नंबर का होगा तो 4 नंबर के अनुसार वो नेचर से कार्य करेगा। अब 8 नंबर भी आदमी को स्थायी रूप से विदेश भेजने का कार्य करता है। 995 1 ये महसूस करता है कि ऐसे व्यक्ति के पास विल पावर बहुत ही मजबूत होती है। और यदि किसी के पास 6 नंबर भी होता है तो इसका मतलब ये होता है ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है, लग्जरी जीवन जीता है, सुख और आनंद पूर्वक ऐसा जीवन जीने में उसे आनंद आता है। 7 नंबर होने से ये राहु और केतु, ऐसा व्यक्ति विदेश जाएगा कुछ समय के लिए जाएगा। अगर 4 नंबर है तो विदेश परमानेंट जाएगा, अगर 7 नंबर है तो विदेश पहुंचाएगा और नए नए देशों में घूमेगा, नई नई रिसर्च को करेगा और फिर वापस आ जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं 7 का। अगर 3 नंबर किसी के पास होता है तो वो नौकरी के लिए जाता है, अगर 7 नंबर होता है तो व्यापार के लिए जाता है। हर चीज का अलग अलग पॉइंट है, मैं बताना चाहता हूं। 8, 11, 6 इन्होंने से प्रैक्टिकल प्लान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रैक्टिकल नेचर को अपनाता है और बड़ी हायर स्तर पर पहुंचता है। तो दोस्तों मैं इन बातों के साथ मैं बताना चाहता हूं, इन सब बातों को आप ग्रहण कीजिए और मैं बातों पर विराम लगाइए। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा गणित न्यूमरोलॉजी का गणित है, ये एक पैटर्न है। हर व्यक्ति अलग अलग पैटर्न पे काम करता है। यदि आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो आप अपनाएं, अगर नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, आप संपर्क में मत रहें। ये विधा है जानने की। अभी मैं कहानी बता रहा था, एक व्यक्ति, कहानी तो लंबी है, छोटी सी बताता हूं। दूध निकालता था गाय का, नौकर था। जब दूध निकालता था तो अपने सेठ को कहता था, सेठ जी गाय ले लो, बहुत अच्छी है, बहुत फायदा देगी। और वो गाय बहुत फायदा देती थी। ऐसे करते करते वो उसकी पॉपुलैरिटी फैल गई। अब वो कहने लगा मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूं। तो सेठ ने कहा नहीं भाई, हम तो नौकरी नहीं छोड़ने देंगे। सेठ ने उसे अपने अपने संस्था में, अपनी फर्म में उसे पार्टनर बना लिया। एक मजदूर व्यक्ति को पार्टनर बना दिया। हमारे ये जो ज्ञान है ये ईश्वर का दिया हुआ है, कब किसको कहां मिल जाए उसका कुछ नहीं पता। इसलिए हमें यह कहना कि वो गलत है, गलत है। हमें सही बातों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मैं अपने शब्दों में विराम लगाता हूं। मैं कहता हूं यदि आपको न्यूमरोलॉजी में से पढ़नी है तो मेरे क्लास में आइए। मैं आपको ये सीधन चालू कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि हमने न्यूमरोलॉजी पढ़ी लेकिन हमें कुंडली लगानी नहीं सिखाई। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे यहाँ कुंडली लगानी सिखाई जाती है। यदि आप चाहते हैं कि कुंडली लगाने का ही कोर्स करना है तो मैं वो कोर्स करवा दूंगा। मैं एक बहुत जल्दी वास्तु की एक क्लास चालू कर रहा हूँ अगले मंडे से, 499 रुपए में। वास्तु सीखो 8 क्लास। मेरा उद्देश्य ज्योतिष को, ज्योतिष ज्ञान है और जन जन तक पहुंचाना है। उसमें यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये ज्ञान का विस्तार कीजिए और जिससे कि अज्ञानता से बचे, अंधविश्वास से बचे और ठगी से बचे। पैसे का एक मोल नहीं है लेकिन इंसानियत का बहुत बड़ा मोल है। मैं अपने शब्दों पर विराम लगाता हूं। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, उससे ये वीडियो दूर दूर तक फैलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार करता हूं।